ओके गाइज, अभी ड्राइवर बाहर ऊपर मेरे को छुड़ाने के लिए आ चुका है, बट यहाँ पे क्या बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि यहाँ पे कैसा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसा लेस्टर ने बोला तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीएस गेमिंग। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले GTA 5। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि माइकल ने एक गाड़ी चुराई थी और वो गाड़ी पुलिस के सामने आ गई थी, मतलब पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया था और माइकल को प्रिजन में डाल दिया था। तो उसके बाद माइकल को यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, तो बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से प्रिजन से एस्केप करना। तो लास्ट टाइम माइकल ने ट्रेवर और लेस्टर से हेल्प मांगी थी, तो दोनों मिलके बाहर मिलके प्लान कर रहे हैं कि कैसे माइकल को यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो माइकल बोल रहा था कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर लाओ और हेलीकॉप्टर से एस्केप करते हैं, बट प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है। हेलीकॉप्टर लाएंगे तो सब पुलिस वाले अलर्ट हो जाएंगे, तो बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि पुलिस वाले पीछे तो पड़ने वाले हैं। इससे अच्छा तो क्या मैंने सोचा कि यहाँ पे ये टावर है ना, सामने जो टावर दिख रहा है उस टावर पे चले जाते हैं, वहां से कुछ भी करके नीचे कूद गए अगर कुछ तो काम तमाम हो जाएगा और हम यहाँ से इजीली भाग पाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा थोड़े बहुत पीछे पड़ेंगे पुलिस वाले, बट उसका कोई ये नहीं, हम एस्केप कर देंगे। और ड्राइवर हमारे बोल रहा है कि बाइक लेके आऊंगा मैं तुम्हारे Ninja H2, वहां से हम एस्केप कर सकते हैं। एक बार Ninja H2 हमारे हाथ में आ गई ना, तो हम पूरा यहां से एस्केप करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और भनक भी नहीं होगी। तो चलिए हम अभी देखते ड्राइवर को। ड्राइवर को मैंने बोल दिया था मेरे घर पे जाओ और घर पे जाके मेरे H2 लेके आ जल्दी जल्दी। लेस्टर वहां से ऊपर से वो कॉल वगैरह दे रहा है सबको। ओके गाइस, तो ड्राइवर माइकल के घर पे आ चुका है, सिर्फ यहाँ से उसे अपनी Ninja H2 वो लेनी है। लेस्टर ने उसके घर में बताया कि वो गाड़ी लेके जा रहा है वगैरह, इसलिए अभी हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है कौन गाड़ी लेके जा रहा है क्या है वो है। और बाकी सब लोग इस घर में हमें पहचानते ही, तो अभी इसकी गाड़ी लेके जाते हैं माइकल की और माइकल को छुड़ा के लाते हैं। भाई बार बार हमारे घर पे यहाँ क्या शूट आउट होता रहता है क्या मालूम भाई। अभी मेरे को जाना है हमारे प्रिजन में। ओके गाइस, तो मैंने अभी प्रिजन का मार्क भी लगा लिया है, मेरे को लेस्टर ने लोकेशन दे दी थी। ड्राइवर को कुछ मालूम नहीं कि वो कभी जेल गया ही नहीं, कांड करके हमेशा भाग जाता है, इसलिए उसे प्रिजन वगैरह कुछ मालूम नहीं है। जल्दी जल्दी मैं प्रिजन में जाता हूँ और वहाँ पे जाके माइकल को छुड़ाने का ट्राई करता हूँ। भाई साहब, ये ड्राइवर कितना फास्ट गाड़ी चला रहा है। भाई भाई आराम से चला ड्राइवर, तू बहुत रश ड्राइविंग करता है, आई नो, बट जरा सा आराम से गाड़ी चला, आराम से। भाई साहब ये देखो भाई, माइकल क्या ड्राइवर क्या गाड़ी चला रहा है। भाई 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 आराम से ड्राइवर, आराम से भाई भाई, अभी ठुकता। भाई 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 क्या गाड़ी चलाता है यार ये, इसके ड्राइविंग का तो मैं फैन ही बन गया। ओ भाई 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 स्पीड देखो, अब गिर गए, ब्रेक, अभी गिर जाता, बट अच्छा हुआ मैंने नहीं गिरा, कंट्रोल कर दिया अच्छे वक्त पे। ऐसे नीचे जाना है, शॉर्टकट ही मार देता हूँ। अरे अरे यहाँ पे जाली है, शिट। भाई ड्राइवर जरा आराम से चला गाड़ी, तेरे कुछ गाड़ी दूसरी की है, तेरे की गाड़ी नहीं है, माइकल की गाड़ी। भाई वीली मार रहा है भाई गाड़ी पे, वीली मार रहा है, शिट। और अभी माइकल को ना लेस्टर का कॉल आ चुका था और लेस्टर बोल रहा था कि तुम्हें ना तुम्हारे ऊपर हमला किया जा सकता है जेल में, क्योंकि तुमने जिसकी गाड़ी चुराई थी वो बिग माफिया की गाड़ी थी, बिग माफिया के बेटे की, तो वो तुम्हारे ऊपर जेल के अंदर ही कुछ मारने की वगैरह प्लानिंग कर सकता है, कुछ कैदियों को बोल सकता है कि माइकल को मार दो यार, तो उनसे बच के रहने के लिए बोला है लेस्टर ने अभी। तो हमें क्या मालूम माइकल बचेगा या नहीं, क्या मालूम नहीं, जल्दी जल्दी उसे बचाना पड़ेगा। और वेट, ये आ चुका हूँ मैं, शायद से मैं आ चुका हूँ हमारी प्रिजन के बाहर, बट मेरे को मैं उस माइकल को कॉल करके बोल देता हूँ कि मैं एक जगह पे ऐसे। वेट माइकल, मेरे को माइकल यही कहीं तो दिख रहा है, इसके पास गन, ओ इसके पास तो बहुत सारी गन्स है, मेरे को एक बार चेक करना है। नहीं वो माइकल नहीं है, माइकल कहाँ पे खड़ा है मेरे को एक बार देखना है। भाई शायद उस तरफ खड़ा होगा या पीछे की तरफ खड़ा होगा, लेकिन कुछ कोई दिक्कत नहीं। वेट वो क्या है, नहीं ऑरेंज कुछ तो दूसरा है, मेरे को लगा था माइकल है, बट ये माइकल नहीं है। माइकल को मैं बोल देता हूँ कि जो फ्रंट गेट है ना उसके यहाँ पे इधर आके खड़ा आ जा, यहाँ से हम एस्केप कर सकते। तो अभी हम वेट, अभी यहाँ पे खड़े रहते हैं और माइकल का वेट करते कि माइकल यहाँ पे आता है नहीं, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। माइकल भाई कॉल कहाँ से करते, यस ये है माइकल का कॉल नंबर है क्या, नहीं ओके हमारे पास माइकल का नंबर है, तो माइकल को कॉल कर देते। रिंग तो हो रही है, क्या माइकल उठा पाएगा। ओके, तो मैंने अभी माइकल को कॉल कर दिया था, तो माइकल बोल रहा है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऊपर, मेरे को नीचे कुछ तो कर दे ताकि मेरे को गिरने के बाद लगे ना, चोट ना लगे। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को, मैं तो उससे बोलता हूँ कि घिसट के आ जा, अभी कुछ फ़ायदा नहीं, एस्केप करना है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ माइकल की तरफ और माइकल को देखता हूँ कैसे बाहर आ सकते हैं। ओके गाइज, अभी ड्राइवर बाहर ऊपर मेरे को छुड़ाने के लिए आ चुका है, बट यहाँ पे क्या बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि यहाँ पे कैसा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसा लेस्टर ने बोला तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे, तो वैसा हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं ना, वो मेरे ऊपर मारने का ट्राई कर रहे, देखो ये मेरे को मारने का ट्राई कर रहे, मेरे को इन्हें पुलिस वालों को भी मार देता, और ये देखो ये मेरे को मार रहा है।
मतलब ये बिग माफिया का कोई तो बंदा है जो मेरे को मारने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे भी कोई तो है भाई, ये पुलिस वालों को भी मार देता हूँ। रुक, सबसे पहले मैं सारे के सारे पुलिस वालों को मार देता हूँ, और फिर ओ भाई ये पीछे आया था मारने के लिए साले। और कौन है भाई? भाई ये देखो, ये देखो साले, सबको मार दूंगा मैं अभी मैं सबको मार दूंगा, सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अभी किसी को नहीं छोड़ूंगा। ट्रैवर इनको मार के भाग जाऊंगा और ट्रैवर के साथ। ट्रैवर बाहर आ चुका है, बट यहाँ से मेरे को सबसे पहले सभी को मारना पड़ेगा। और कौन गोलियां चला रहा है भाई? तू आंखों के सामने आना भाई, आंखों के सामने आ भाई, कहाँ से चला रहा है? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। रुक, तो पुलिस वाला इसे क्या मारूं बे? अभी मेरे को मेन डोर कहाँ पे मेरे को देखना है भाई। भाई भाई ये कहाँ पे घूम रहा है अकेले? मेन डोर इस जेल का कहाँ पे मेरे को नहीं मालूम। जरा सा ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके देखता हूँ कि मेन डोर कहाँ पे। आराम से आराम से आराम से माइकल माइकल आराम से। ये मेन डोर मेरे को नहीं दिख रहा है यार, जहाँ पे मेन डोर पे माइकल नहीं ट्रेवर खड़ा है, बट हमें मेन डोर ढूंढना है, शायद वहाँ पे है मेन डोर। वेट, मेरे को अभी समझ आ गया कि मेन डोर कहाँ पे। जल्दी जल्दी मैं मेन डोर पे चला जाता हूँ और वहाँ से मेरे को अभी ट्रेवर मिलेगा। यहाँ से शॉर्टकट जल्दी जंप कर। वहाँ पे मेरे को मेन डोर तो दिख रहा है, उसी के बाजू में थोड़ा सा साइड में ट्रेवर खड़ा है, बट अभी जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या एक्चुअली में ट्रेवर खड़ा है या नहीं। भाई यहाँ से कहीं जाने का रास्ता है क्या ऊपर? वेट, अभी ये मेन डोर यहाँ पे, मतलब वेट कहाँ पे मेन डोर? पुलिस वाले यहाँ से भागना है, मतलब इनको मारना पड़ेगा हमें। मर मर मर, तू क्या देख रहा है भाई? नीचे से मार रहा हूँ मैं, नीचे से। तू क्या देख रहा है? यहाँ पे शायद से ये बिल्डिंग है ना, ये मेन डोर की बिल्डिंग है, तो इन वो पुलिस वालों को हमें मारना पड़ेगा भाई साहब। अरे मर क्यों नहीं रहा भाई? भाई भाई ये मर क्यों नहीं रहा भाई? थोड़ा भी इसे जाने दो। अभी मैं या मेन डोर के राइट साइड में एक टावर रहेगा, उसने बोला उसके नीचे एग्जैक्ट मैं आ चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी मेरे को ऊपर जाके एक बार देखना है कि टावर के नीचे कोई आ चुका है या नहीं। मेरे को टावर, भाई भाई इनके पास से मेरे को एमोज मिल चुकी है, तो एमोज ले लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर भागना होगा तो हमें वो एमोज की ज़रूरत पड़ने वाली है। और शायद ये टावर है, ये टावर मेन डोर का टावर है, और यहाँ से दूसरा ये है ना, ये टावर, इसके नीचे माय ट्रैवर खड़ा हो सकता है। मेरे को जाके एक बार देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को जाके एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या ट्रैवर खड़ा है या नहीं। ट्रैवर शायद वहाँ पे कोई तो बाइक दिख रही है मेरे को, तो यहाँ पे ट्रैवर तो एक्चुअली है, बट अभी मेरे को नीचे जाने का रास्ता नहीं मालूम। ये सब यहाँ से जालियाँ लगा रखी है, तो मेरे को शायद यहीं से कूदना पड़ेगा क्या? क्या मैं यहाँ से कूद सकता हूँ? यहाँ से कूदूंगा तो लग जाएगा, बट मेरे को ट्राई करना पड़ेगा कि मैं कूद जाऊँगा तो लगे ना। यहाँ से कोई रास्ता होगा तो मेरे को, भाई यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं वैसा देखा जाए तो, बट कुछ नहीं, यहाँ पे अभी कोई पुलिस वाला भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ भाई? ड्राइवर क्या कर रहा है? इधर उधर क्यों घूम रहा है? इधर तू, इधर। मैं यहाँ से कूदता और जल्दी जल्दी भाई भाई आराम से लगना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, आराम से। भाई ड्राइवर इधर उधर क्यों घूम रहा है यार? ड्राइवर एक जगह पे खड़ा रहे, मैं आता हूँ। मैं अभी इस टावर से नीचे कूदने वाला, मेरे को नहीं मालूम ड्राइवर कैसे हैंडल करेगा। मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लगने वाला है। और फाइनली दरवाज़ा मैंने सोचा था वैसा हो गया, दरवाज़ा भी खुल गया, बट मेरे को लगता है अभी पुलिस पीछे पड़ने वाली, ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई ये टावर कितना बड़ा है, मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, अगर गिरा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आराम से मेरे को यहाँ से जाना है, बट ड्राइवर है कहाँ पे? भाई ये ड्राइवर तो वहाँ पे, मैं यहाँ झाड़ियों में कूद जाता हूँ ताकि मेरे को कम लगे। भाई यहाँ पे झाड़ियाँ ही नहीं है ज़्यादा अच्छी खासी। ओके, थोड़ा नीचे से तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे मैं कूद जाता हूँ, यहाँ पे झाड़ियाँ कम है, तो मैं जैसे कूद जाऊँगा मेरे को लगता है पुलिस मेरे पीछे पड़ने वाली है। अगर पुलिस पीछे पड़ती है तो पड़ने, तो मैं यहाँ से पहले कूद जाता हूँ आराम से कूद। माइकल लग जाएगा भाई, माइकल लग जाएगा, आराम से, जल्दी चल। अभी पुलिस आती होगी। तो गाइस, मैंने जैसे गाड़ी से ऊपर से जंप की, पुलिस लग चुकी है। भाई साहब जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा यार, ये हेलीकॉप्टर वगैरह घूम रहे, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। ड्राइवर तो आ चुका है, गाड़ी में बैठ के मैं यहाँ से अभी भागने वाला हूँ, नहीं तो क्या होता है ड्राइवर मर जाता है हमेशा। और भाई हमें, भाई सामने बहुत ज़्यादा पुलिस है, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट मार सकता हूँ क्या? भाई सामने बहुत ज़्यादा, मतलब नाकाबंदी करके रखे पुलिस वालों ने। भाई ड्राइवर को गोली नहीं लगनी चाहिए, ड्राइवर को अगर गोली लग गई तो हमारा काम खत्म हो सकता है। भाई ड्राइवर को गोली नहीं लगनी चाहिए, हमें कुछ भी करके ड्राइवर को बचाना, क्योंकि ड्राइवर पीछे और हमारे पीछे एग्जैक्ट पीछे पुलिस पड़ चुकी है। भाई साहब हेलीकॉप्टर वगैरह अभी बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। भाई आराम से, इस पुलिस वाले से बच के हमें भागना यार, क्या कहाँ से भागो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे रास्ते भी नहीं, हाईवे से मैं जा सकता था, बट वो हाईवे पे बहुत ज़्यादा पुलिस थी। भाई हमारे राइट साइड में भी पुलिस है, तो भागो कहाँ पे? ओ भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पुलिस है, 3-स्टार पुलिस लग चुकी है हमारे पीछे। और ये कुछ स्टंट का ट्रैक है, चाहती यहाँ पे एक दिन हम आएंगे और स्टंट कर सकते हैं भाई, बट अभी तो मेरे को यहाँ से भागना है।
भाई भाई यहाँ से जालिया जालिया से बच के निकलना, जालिया वगैरह लगती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। अभी यहाँ से मेरे को भाई हेलीकॉप्टर को छुड़ाना है, अगर हेलीकॉप्टर छुट गया ना तो पूरा सब काम हो जाएगा हमारा भाई साहब। आराम से हमें हेलीकॉप्टर को वगैरह छुड़ाना है भाई, हेलीकॉप्टर एग्जैक्ट पीछे घूम रहा है हमारे। एक टनल वनल मिल गई ना अच्छे से, तो हम उस टनल के अंदर छुप सकते हैं भाई आराम से आराम से आराम से आराम आराम से भाई। मैं अभी छूट जाता बट यार पुलिस वालों ने मेरे को फिर से देख लिया, पुलिस वालों ने मेरे को फिर से देख लिया। यार टनल वगैरह होगी तो मेरे को टनल में जाना होगा, बट यहाँ पे कोई टनल वनल भी नहीं है भाई। कहाँ पे आ गए हम, मेरे को भी नहीं मालूम भाई साहब। यहाँ पे कुछ तो है भाई, यहाँ पे कुछ तो नहीं। नहीं यार मेरे को लगा था कि यहाँ पे टनल वनल हो सकती है, बट यहाँ पे टनल नहीं है। वो मैं रनवे पे आ चुका हूँ रनवे पे, बट सामने से एक पुलिस वाली गाड़ी आ चुकी है। तो यहाँ से भाई 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 सारे सभी जगह से अभी पुलिस वालों ने मेरे को घेर कर रखा है। ऊपर वाले अगर हेलीकॉप्टर को मैं चकमा दूँ ना तो कहीं भी हम जा सकते हैं भाई साहब। हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया, बट यार सामने से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है भाई भाई भाई। मैं अभी यहाँ से स्टंट वंट कहीं तो मारूंगा ना तो पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा। बस स्टंट मारने की ऐसी जगह भी नहीं है, बस स्टंट मार के अगर गलत हो गया ना ज़रा सा भी तो पूरा हमारा काम पच्चीस हो सकता है। बट शायद से अभी भाई भाई आराम से आराम से आराम से। अभी यहाँ पे कोई गाड़ियाँ पुलिस वाली गाड़ियाँ भी नहीं है, और शायद से यहाँ पे कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं है। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, अभी मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? इस हेलीकॉप्टर इस प्लेन के अंदर छुपने की वगैरह जगह है भाई भाई, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ भाई, किसी को दिख ना पाऊँ भाई। ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ मेरे को भी नहीं मालूम है भाई। ये आदमी हमें पकड़वाएगा भाई, ये आदमी हमें पकड़वाएगा भाई भाई भाई। शिट शिट, यहाँ पे शायद से पुलिस वाली गाड़ी आ चुकी है। हेलीकॉप्टर ऊपर भाई, ऊपर एग्जैक्ट ऊपर हेलीकॉप्टर भाई। उसने मेरे को देख लिया, उसने मेरे को देख लिया भाई। मेरे को ऐसे भागना पड़ेगा यार, ये इतनी सेफ जगह नहीं थी, अगर मैं दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। तो वो बंदे ने हमें पकड़वा दिया भाई, वो अगर वहाँ पे नहीं होता ना तो हम इजीली भाग जाते। बट शिट यार कोई नहीं, अभी हम दूसरी जगह देख लेते भाई एस्केप करने के लिए। यहाँ से तो एस्केप नहीं हो पाया, बट एक अच्छा खासा ब्रिज वगैरह मिल जाएगा ना तो ब्रिज के नीचे हम इजीली छुप सकते। बट वेट, यहाँ से ट्रेन जा रही है, इसका मतलब ट्रेन किसी टनल से भी जाएगी, तो हमें ट्रेन का फॉलो करना है। ट्रेन को फॉलो करते करते मेरे को एक टनल वगैरह दिखेगी ना, हम इस टनल को इजीली जा सकते। वेट, मैं अभी इस रेलवे के आगे जाता हूँ, ताकि हम इस रेलवे के पीछे पीछे जाऊँगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। आगे ही चला जाता हूँ भाई भाई। क्या यार हम कहाँ कहाँ से भाग रहे हैं मेरे को नहीं आइडिया। और यहाँ पे शायद राइट साइड में हाईवे है, और लेफ्ट साइड में कोई पहाड़ों में वगैरह जाएंगे तो पहाड़ों के नीचे से रेलवे जा सकती है। मेरे को यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ भाई। ये कहाँ पे आ गए? वेट वेट, यहाँ पे एक टनल है, बट नीचे हाईवे भी है तो नीचे पुलिस वाले हो सकते हैं। नीचे से गाड़ी आएगी तो मैं यहाँ पे नहीं रुकता, थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ। आगे चले जाके मेरे को एक बार देखना है कि यहाँ पे कहीं मेरे को छुपने की जगह है या नहीं। एक यहाँ पे मेरे को लग रही है, बट यार शिट यार मेरे को पुलिस वालों ने फिर से देख लिया। शिट शिट शिट, मेरे को फिर से भागना पड़ेगा रेलवे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं देखा मेरे को, अभी भी पुलिस वालों ने नहीं देखा। पुलिस वालों को मालूम नहीं, मैंने फिर से एस्केप कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ी देर छुप जाता हूँ, यहाँ पे छुप जाता हूँ, किसी को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आराम से ऐसी गाड़ी लगा के मैं छुप जाता हूँ, क्या ऐसे हमारा एस्केप हो पाएगा? क्या लगता है गाइस, यहाँ से आपको क्या लगता है मेरा एस्केप हो पाएगा? अगर एस्केप हो गया तो मेरे को कपड़े बदलने, और कपड़े बदल के जल्दी जाना है घर में, और घर में जाके क्या करेंगे मालूम नहीं, बट हमें जल्दी जल्दी घर में जाके सेफली बैठना है भाई भाई। सामने हाईवे, तो हाईवे से मेरे को देख सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा इस कोने में आना है। ओके तो फाइनली हमारे ऊपर की केस छूटी हुई, बहुत देर से यहाँ पे हम खड़े रहे थे और हमारे ऊपर की जो केस थी वो छूट गई है। मेरे को एक बार जाके देखना है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला। ओ भाई साहब, ये पुलिस वाली यहाँ पे आई थी और यहाँ से चली गई, तब तक हमारी केस छूटी इसलिए वो यहाँ से चली गई। मैडम आप मेरे को ढूंढने आए थे, आप मेरे को ढूंढने आए थे, पकड़ो मेरे को पकड़ो। अभी तो नहीं पकड़ सकती क्योंकि हमारे ऊपर की केस तो चली गई, और अभी मेरे को क्या करना है, ऊपर के मेरे कपड़े चेंज कर। तो गाइस फाइनल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते यहाँ के पे कपड़े की शॉप पे आ चुका हूँ। कहीं यहाँ पे भाई भाई ब्रेक मार आराम से, यहाँ पे कहीं तो कपड़े की शॉप है। और भाई ये कैसी गाड़ी है भाई, मेरे को एक बार गाड़ी चेक करने। वेट में कपड़े बदल के आता हूँ, मेरे को गाड़ी देखनी है ग्रीन कलर की, कुछ तो अजीब सी गाड़ी है भाई साहब। अभी मेरे को कुछ भी कपड़े तो चलेगा मेरे को। ये व्हाइट कपड़ा मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये पहन लेता हूँ जल्दी यहाँ से चला जाता हूँ। भाई हमारी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी है। और गाड़ी कुछ अजीब ही है भाई, मस्त तो लग रही है, लेकिन अभी मैं नहीं चुराने वाला। अभी चुराऊंगा तो फिर से केस हो जाएगी, फिर से वो मैटर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है हम यहाँ से भाग ही चलते, हमारे घर में चलते जल्दी जल्दी, हमारे घर में जाना है। मेरे को एक बार मेरे घर का मैप लगाने दो।
ओके, तो फाइनल मैंने मैंने घर का मैप भी लगा लिया। अभी मैं शॉर्टकट मारते मारते सीधा मैं जाने वाला हमारे घर में, ताकि वहाँ पे पुलिस वगैरह ना आ पाए। भाई साहब क्या गाड़ी चला रहा हूँ मैं, भी अभी प्रो बन चुका हूँ गाड़ी चलाने में। और बाइक चलाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ कार चलाने में दिक्कत आती है, वो बड़ी होती है ना, बार बार किसी भी जगह पर छिपती रहती है, छिलती रहती है, इसलिए वो चलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट बाइक का कोई नहीं, तो यहाँ से भी ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इजीली हम चला सकते हैं बाइक। ये देखो कहाँ से भी ऐसे उड़ाएंगे ना तो भी हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें तो हमें स्टंट वगैरह मारना आ चुका है, इसलिए अभी हम कहीं से भी गाड़ी चला सकते हैं। वेट, हमें इस रोड पे जाना है, तो यहाँ से शॉर्टकट से ले जा सकते हैं। ये कार में नहीं कर सकते यार, कार हमें प्रॉपर रोड से ही भगानी पड़ती है, नहीं तो हम ये कहीं से भी नहीं ले जा सकते, नहीं तो गिर जाते भाई। वैसी जैसी ग्रीन कलर की गाड़ी देखी थी, वैसे ही मेरे को यहाँ पे भी दिखने मिल रही है भाई। यहाँ पे गाड़ी कॉमन है शायद, ड्राइवर का ही गाँव है शायद, तो यहाँ पे गाड़ियाँ कॉमन है भाई साहब। मेरे को यहाँ से शॉर्टकट से आना है, बट मैं कहाँ पे आ चुका हूँ मेरे को कुछ मालूम नहीं। पोल्ट्री फार्म वगैरह वैसा कुछ दिख रहा था, जब पहाड़ों से ऊपर ऊपर से आ रहा हूँ, हाईवे से नहीं, किसी पुलिस को हमें अभी दिखना नहीं है। आराम से शिट, ये गिर गया भाई। भाई अभी मेरे को लगा था कि भाई तू उठ ना भाई, इतना देर क्या कर रहा है, मेरे को लगा था पुलिस मेरे पीछे आ गई। ड्राइवर तू गाड़ी में बैठ जल्दी जल्दी आ। ओके, तो अभी ड्राइवर गाड़ी पे आके बैठ चुका है फिर से। अभी जल्दी मेरे को फिर से जाना है और मेरे घर में जाके बैठ जाता हूँ मैं। कपड़े वगैरह भी अभी चेंज कर लिए, तो कपड़ों का भी कोई टेंशन नहीं है। भाई ये क्या, कौन सी जंप मारी है अबे माइकल, ये कौन सी जंप है बे भाई, ये क्या जंप थी भाई। अभी मेरे को जल्दी घर में जाता हूँ, चलो जल्दी। ओके, तो गाइस मैं अभी गाड़ी भगा के ड्राइवर को लेके आ चुका हूँ हमारे घर में। भाई साहब अभी फाइनली हम घर में एस्केप करके आ चुके हैं सेफली, तो गाड़ी मेरे को यहाँ पे लगानी है। थोड़ा ड्राइवर से बात करने मेरे को, इसलिए थोड़ा ड्राइवर को कोपचे में लेके आता हूँ। ड्राइवर आ मेरे पीछे, तेरे को एक काम है, मेरे को तुझे कुछ बताना है अगले वाले एपिसोड में क्या करना है, तेरे को थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आ इधर। ओके, तो गाइस मैंने अभी ड्राइवर को बता दिया कि कल के एपिसोड में क्या करने वाले, तो वो देखना है आपको, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्राइवर भी बोल रहा है ओके वही करेंगे, कल मैं आ जाता हूँ, अभी मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए, मेरे को गांव जाना है, तो जल्दी वो अपने आप गांव जाएगा। भाई साहब हेलमेट पहनना जरूरी है भाई, एक मेरी गाड़ी ले चुका है भाई, मेरी की भी मैंने उसको दे दिया। भाई आराम से भाई, मेरी गाड़ी आराम से चला यार। भाई कैसे चलाता हूँ, भगाता हूँ गए भाई भाई आराम से चला यार ड्राइवर, बहुत महंगी गाड़ी है यार, मैंने मेरे को मुश्किल से लेस्टर ने गिफ्ट की थी, बट कोई नहीं, अभी वो ड्राइवर जा चुका है, कल आ जाएगा तो बड़ा धमाका करने वाले हैं, बहुत कुछ अजीब करने वाले, बहुत मज़ा है। जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कल का एपिसोड आपसे मिस ना हो पाए। मैं चलता हूँ, बाय।